आज हम पढ़ने वाले हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड क्लास फिफ्थ के लिए साइंस है। और हम आज पढ़ने वाले हैं जर्मिनेशन कि किस तरीके से पौधे में रिप्रोडक्शन होता है, ये पहली क्रिया है, उसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ, ये देखिए जर्मिनेशन कहता है कि जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच ए सीड प्रोड्यूस सीडिंग और बेबी प्लांट। यह प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसके कारण क्या होता है, सीड के द्वारा नए पौधे का निर्माण होता है। ए सीड नीड्स द राइट अमाउंट ऑफ एयर वाटर एंड वार्मथ टू जर्मिनेट। तो अब जर्मिनेशन के लिए हमें क्या चाहिए, तो किसी भी पौधे के सीड को, बीज को क्या चाहिए, एयर चाहिए पर्याप्त मात्रा में, और हवा चाहिए, हवा और पानी चाहिए, और थोड़ी सी गर्मी चाहिए, तभी वो क्या होगा, जर्मिनेट हो पाएगा। यहाँ पे देख लीजिए रिक्वायरमेंट्स ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड, तो सी इसके लिए चाहिए हमें एयर और वाटर, फिर हमें चाहिए क्या, टेम्परेचर, और फिर सनलाइट चाहिए। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमें एक एक करके इन तीनों चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि हमें जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए। चलते हैं, तो पहला है हमारे पास एयर एंड वाटर। द एबिलिटी ऑफ राइट अमाउंट ऑफ वाटर एंड एयर आर अनइम्पॉर्टेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो हमें जब पर्याप्त मात्रा में पानी, जितना उसको चाहिए उतना पानी और एयर मिलेगा, तो वो क्या होगा, सीड जर्मिनेट हो पाएगा। ठीक है गाइस, तो इसीलिए एयर और वाटर क्या है, ज़रूरी है। पहला प्रमुखता किसको है, तो एयर और वाटर को। दूसरे हमें है हमारे टेम्परेचर। सीड्स नीड एन ऑप्टिमम टेम्परेचर टू जर्मिनेट। इसके लिए आवश्यक जो जितना इसको चाहिए उतना टेम्परेचर चाहिए, तापमान चाहिए, गर्मी चाहिए। द टेम्परेचर शुड बी नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी लेस। ये बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द रेंज ऑफ 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में ही टेम्परेचर होना चाहिए ताकि ये सीड क्या हो, जर्मिनेट हो सके, और ना गर्म होना चाहिए ज़्यादा, ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सनलाइट एंड सॉइल, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सनलाइट एंड सॉइल आर नॉट वेरी इसेंशियल फॉर जर्मिनेशन। ए सीड कैन जर्मिनेट विदाउट सॉइल एंड सनलाइट टू। कहते हैं कि सॉइल और सनलाइट है उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उतने आवश्यक नहीं है एक सीड को जर्मिनेट करने के लिए। विदाउट सॉइल और सनलाइट भी ये जर्मिनेट हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा घर में मूंग हो गए या फिर चने हो गए, उसके स्प्राउट बनाए जाते, तो वो भी एक जर्मिनेशन का पार्ट है। तो उसको सनलाइट में नहीं रखा जाता और उसमें सॉइल भी नहीं होते, तब भी वो जर्मिनेट होते हैं। बट वन सीड आर जर्मिनेट ए राइट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड सफिशियंट लाइट इज रिक्वायर्ड बाय देम। लेकिन जब वो जर्मिनेट हो गए, उससे नए पौधे बनाने हैं, तब उसे क्या चाहिए, उसे क्या उसकी अवस्था, उसके तरह का मिट्टी चाहिए जिसमें वो ग्रो कर पाए, और सफिशियंट मतलब पर्याप्त मात्रा में सनलाइट, सूर्य की रोशनी चाहिए ताकि वो अपना भोजन बनाकर नए पौधे बना सकेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं कि सिक्स स्टेजेस इन जर्मिनेशन। अब इन तीनों चीज़ों को हमने देख लिया, ये तीन चीज़ चाहिए तब जर्मिनेट होंगे। अब कैसे कैसे जर्मिनेट होंगे एक सीड, उसके बारे में हम देख रहे हैं। द जर्मिनेशन ऑफ सीड टेक प्लेस ए वेरियस स्टेज, कहते हैं ये बहुत सारे स्टेज लेता है। ए सीड इज सॉ इन टू द सॉइल एंड वाटरेड। ये जब सॉइल में मिट्टी में होता है और उसे पानी दिया जाता है, पहली प्रक्रिया होगी। द सीड टेक इन वाटर रेपिडली इट्स नियर लेयर इनर लेयर सॉइलेट। कहते हैं जब हम बार बार पानी देते हैं तो उसका इनर लेयर क्या हो जाता है, फूल जाता है। और द सी कॉट स्प्लिट एंड रूट इमर्ज, और क्या होता है, उसका जो सीड कॉट होता है, जो बीज का ऊपरी भाग होता है जिसे कवर होता है, जैसे चने का आपने देखा होगा तो ऊपर से एक आवरण जैसा होता है और नीचे में दो तरह के दाल जो निकलते हैं वो होते हैं। ये बॉल बन गया।
होता है, तो उससे उसके बीज से ही क्या होते हैं, रूट इमर्ज हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, द रूट ग्रो डाउनवर्ड इन टू द सॉइल, और सॉइल के नीचे क्या हो जाते हैं, ये जन्म ले लेते हैं रूट। और फिर क्या है, द शूट ग्रो अप बर्ड्स रेजिंग द सीड्स लीव्स अबव द ग्राउंड, और क्या हो जाते हैं, ऊपर के हमारा सीड्स का शूट का निर्माण हो जाता है, जिसमें पत्तियां आ जाती हैं और फूल आ जाते हैं, ये बाद में फूल आते हैं। द शूट डेवलप लीव्स एंड ब्रांचेज, और ब्रांचेज और लीव्स डेवलप करते हैं फर्स्ट में, और फिर द प्लांट्स स्टार्ट मेकिंग और फूल, और जब प्लांट के लीव्स आ जाएंगे तो ये सूर्य की रोशनी से क्या करेंगे, अपना भोजन बनाएंगे। इस तरीके से ये धीरे धीरे क्या होंगे, ग्रो करेंगे और फल फूल सभी चीज़ों को बनाएंगे। जिस तरीके से ये क्या होता है, एक नए पौधे को बनाने में जर्मिनेशन बहुत हेल्प करता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले क्या था, किस चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो पहला हमारे पास था एयर और वाटर, जिसके कारण जर्मिनेशन होंगे, दूसरे हैं टेम्परेचर, और तीसरा है सनलाइट एंड सॉइल, तभी जाके नए पौधे उग पाएंगे। ठीक है गाइज, तो यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।